Say, I think, yeah. कोई मोबाइल राजू जी से यहाँ देखिए यहाँ देखिए एक मिनट सर कहाँ से कैसे पता चला आपको विष्णु जी के बारे में एंड हाउ डिड यू एंड अनिल जी कम टुगेदर टू हेल्प या मैं इस वक्त अपने दोस्त अनिल मुरारका और विष्णु जी के साथ बैठा हुआ हूँ अनिल मुरारका के बारे में सब लोग जानते ही हैं दोस्त की वजह से मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये लोगों की मदद करना हेल्प करना ये इनके गुण हैं और ईश्वर ने इनको सिखाया है कि सबकी मदद करें इनको इसी में आनंद आता है चाहे वो कोरोना काल में लोगों की मदद करनी हो अनाथ बच्चों के लिए काम करना हो और गरीब बच्चों की पढ़ाई के काम हो तो ये सब देख देख के हम सबको प्रेरणा मिलती है तो इसी कड़ी में अनिल ने मुझे एक दिन विष्णु जी की न्यूज़ दिखाई न्यूज़ चैनल में उन्होंने देखा था तो फिर मुझे मोबाइल पे दिखाया इन्होंने और विष्णु तिवारी ना हाँ विष्णु तिवारी जी के बारे में बताया कि इस शख्स ने 20 साल उत्तर प्रदेश की जेल में बेकसूर गुजारे निर्दोष होते हुए 20 साल जेल में रहे 20 साल बाद इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और कोई जुल्म साबित नहीं हुआ और जज ने और प्रशासन ने इनसे माफ़ी मांगी और फिर इनको बाइज्जत बरी कर दिया तो हम लोग मैं और अनिल सोचने लगे कि यार ये किसी के साथ भी हो सकता था अगर हम लोग साथ होता तो हम एक एक दिन आदमी कैसे गुजारता आदमी तो पागल ही हो जाता या लाशी बाहर आती या बंदा या तो आत्महत्या कर लेता तो मुझे लगा कि बहुत ये मजबूत आदमी हैं और बहुत धैर्य वाले हैं पेशेंस है और कैसे ये लड़े होंगे कैसे इन्होंने संघर्ष किया होगा तो हमें लगा हम सिर्फ न्यूज़ क्यों देखें न्यूज़ देख के सब भूल जाते हैं तो क्यों ना कुछ मदद करें न्यूज़ सिर्फ इसलिए नहीं आती कि हम उससे मनोरंजन लें तो मैंने अनिल से कहा कि मैं खुद मदद करना चाहता हूँ आप सिर्फ विष्णु तिवारी जी को ढूंढो और ललितपुर में ये ढूंढे गए खोजे गए और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये मेरे निवास पे आए हैं और यहाँ हम लोग बैठे हुए अनिल जी योर थॉट्स हाउ इम्पोर्टेंट इज फिलैंथ्रोपी इज जस्ट अ वर्ड इट्स नॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्ड और CSR एक्टिविटी आज हम मुझे लगता है कि जो भाई ने अभी सबको बताया ये हमको सबको कहीं ना कहीं हम चाहें तो सब चीज़ों में जुड़ सकते हैं इट्स नॉट अबाउट राजू भैया या अनिल मुरारका हम सब अपने प्रयास में या अपने तरीके से या अपने अपनी अपनी एक लिमिट में कुछ ना कुछ समाज के लिए करते चलेंगे ना तो ये देश रियली एक टाइम था जब हम इस हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया बोलते थे वो दौर वापस आएगा देयर आर मूवमेंट्स राइट नाउ हैपनिंग थिंग्स आर मूविंग अराउंड बट हमको सब कुछ जुड़ना पड़ेगा बात करें अपन विष्णु जी की मैं नमन करता हूँ इनको इनके साहस को कि इन्होंने 20 साल कैसे वहाँ निकाले मैं बोलता हूँ 20 घंटे भारी पड़ते हैं आज अंदर जाने में और जिस तरीके से आज जेल वाले पेश आते हैं हम सबको पता है 20 साल इन्होंने हौसला जुटाए रखा निरंतर अपने आप से लड़ते रहे विष्णु जी मेरे पास शब्दों की कमी है जी भाई साहब आपका बहुत बहुत नहीं 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 विष्णु जी आपका अपना बड़प्पन है आपके आशीर्वाद से और हमारे सर माननीय राजू भाई साहब जी हैं जो उनके योगदान सहयोग से हम आज उनके निवास पर बैठे हैं और इनके ही दुआ आशीर्वाद है और सब गणेश भगवान माता रानी की जो हमने गुनाह ही नहीं किया था वो बेगुनाह थे जो हमने तो हमें ये था कि हम बेगुनाह हैं तो एक ना एक दिन हमारी भगवान मालिक सुनेगा जो इस समाज में और दुनिया को हम ये दिखा पाएंगे इसलिए हम हिम्मत जुटाए रहे और आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों की दुआएँ हमें यहाँ तक खींच लाई हैं और जो हम आपके समक्ष बैठे हैं नहीं तो हम तो क्या है कीड़े कीड़े के समान पता नहीं दफन हो जाते वहीं
सब ईश्वर का आप लोगों का ही पुण्य प्रताप रहा। मुझे केस क्या था, मामला क्या था? मामला सर जी गाय कब था है, क्या मामला? भाई साहब सन 2000 का केस है और नवंबर दिसंबर का केस था, नवंबर दिसंबर का। तो गाय चराने गए हम, गाय चराते थे, हमारी गाय थी भैंसें थी, तो हम गाय चराने गए तो उसकी ज़मीन और जो जिसने केस लगवाया वो उसकी ज़मीन और हमारी ज़मीन बिल्कुल करीब करीब में ही थी नहर के किनारे पे। तो वो गाय में गाय पड़ गई खेत में, कुमार का महीना था और तो कटते थे तो वो पड़ गई, तो उन्होंने हमको गाली फाली देने लगे। अब थोड़ा से पड़ गई तो उसमें हमने गलती मानी, हमने कहा ये गलती होगी शायद बढ़ गई, हो जाता है ऐसा। तो वो कहने लगे नहीं अब तो हमारे पड़ गई तो पड़ी क्यों, गाली गलौच करने लगे। तो गाली गलौच में थोड़ा सा हमने कि गाली ज़्यादा देने में गाली दो मत, गाली जो कुछ होगा वो नुकसान भाव दो भाई, इतना ही कुछ उगा। और उन्होंने मतलब मानने की भी कोशिश करी, वो लोग सब इकट्ठे थे, हरिजन थे, जात के मतलब धोबी थे, तो उन लोगों ने मानने का भी प्रयास करा, लेकिन हमने छोड़ के वो हम गायों को और हम चले आए। हमने कहा जी लोग चार पाँच लोग हैं पाँच, तो हम भग जाए घर। घर आके भी हमने ये देखा कि चलो अब यहीं तक बात सीमित रहेगी, इस ख़त्म हो गई, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो हमने अपने भाई को मतलब भेज दिया गायों के लिए और हम गाँव घर से मतलब निकल गए इधर और दूसरी तरफ खेत तरफ। तो फिर उन लोगों ने पता नहीं क्या सोचा, क्या दिमाग में किसने क्या उनको वो मतलब वो करा, और वो सुनने जाके रिपोर्ट कर दी। और उसमें ये सोचा उनको पैसा मिला, जिसने भी उनको कहा हो तो हरिजन एक्ट एक्ट में अच्छा रुपया मिला और 376 में बढ़िया रुपया मिला, 1,00,000 के करीब रुपया मिल गया। वो समय बहुत गरीबी का था। किसको मिल गया? उस एनडी पार्टी को, मतलब वहाँ जो और जांच करता हूँ, मतलब जो भी सिस्टम ने मतलब पुलिस ने उनका जांच कराई, वो जांच कुल वहाँ की थी नहीं, जांच और जगह की दिखाई, वहाँ गवाही बनाया, क्या करा कुछ हमें पता ही नहीं। उस टाइम अगर बात करें जो पावर थी सरकार थी शायद ऐसे की थी, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे किसी को, पब्लिसिटी देना नहीं चाहेंगे। हाँ बिल्कुल सर, मतलब कोई भी किसी के इल्जाम लगा सकता। नहीं भाई साहब सही कह रहे हैं। अगर आज आपकी हेल्प करते हैं राजू श्रीवास्तव अरविंद मुरारका जी, लेकिन ये हाँ। पैसा आपकी वो जिंदगी नहीं दे सकता, आपकी वो जो जवानी आपने खत्म कर दी। ठीक है सही कह रहे हैं, ये आपको नहीं दे सकता, लेकिन सकता तो पीछे जाती चला गया, खत्म हो गया आपके परिवार ये सब चीजें। हाँ जी, माँ और हमारे पिताजी को मतलब अटैक पड़ गया इसी केस में, और दो भाई भी अटैक पड़ गए इसी में, खत्म हो गए, चार लोगों की सर जी मौत हो गई तो अटैक से। और जमीन जगह जो थी वो सब वकीलों में ही चली गई, और पता नहीं क्या रहा सिस्टम के, मतलब करवाने में विफल रहे या पैरवी की कमी रही। घर है? हाँ घर भी बिल्कुल सर जी बिल्कुल ध्वस्त हो गया, कुछ नहीं बचा, पन्नी डाल के और समझो वहाँ एक चार भाई बिछा रखी वहाँ लेटते हैं सर जी, बिल्कुल पूरा बिल्कुल। आपके परिवार भी कौन कौन है? एक मंझले हमारे मंझले भाई हैं, एक हमसे छोटा है, उसकी शादी नहीं हुई और हमारी भी शादी नहीं हुई थी, और बस वो मजदूरी करने इंदौर चले गए, तो उनने अपना जीवन अपना वहाँ, दो बच्चे भी हैं उन पर, अपना वहाँ जीवन बिताया। कभी आपने इस बारे में सोचा कि इसके ऊपर वकील करने के तो पैसे होंगे नहीं, जब आपने बताया काफ़ी माली हालत थी आपकी? नहीं, जमीन बिकी भाई साहब, जमीन बेच के और मतलब केस लड़ा, जब वकील करे सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया हाई कोर्ट से, तो कहीं हुई हुए ही नहीं है। अपील भी करवाई, अपील भी हुई, सब काम हुए, लेकिन बाद में ये हुआ कि मतलब पिताजी जो पैरवी कर रहे थे उन्हीं ने वकील करे थे, तो उन्हीं को ही फालिस मार गई, फिर थोड़ी सी फालिस मार गई, फिर उन्हें 2013 में अटैक पड़ गया 8 अगस्त को। फिर बस थोड़े दिन बाद माताराम भी मतलब पिताजी मतलब भैया एक भैया और माताराम भी चली गई अटैक ही में, वो भी बेचारी मतलब यूँ ही रही कि बैठ के वैसी बैठी थी, और बस यूँ ही पता चला कि बाद में भाई आया छोटा वाला, तो उसने देखा तो मतलब ख़त्म। कितने दिन आपने कारावास में काटे? 20 मतलब 19 पूरी 20 वर्ष हो गई, लेकिन कुछ बीच में मतलब जो छूट गए थे हम, 2000 का केस था, 2001 में हम छूट के आए, बस वो जीवन पूरा 20 साल 19 में 19 साल कुछ का मतलब जो लगातार रहा, और बाकी 6 महीना पहले का रहा, तो वो पूरी 20 साल का ऐसा रहा। अब तीनों से क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है या जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने जांच ठीक से किया नहीं, या वो पुलिस अधिकारी दूसरी पार्टी से मिल गए, या किसी ने ब्राइब इसमें खा लिया, पैसे खा लिए,
ऐसे कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये निर्दोष हैं और इनकी कोई गलती नहीं है, बेकसूर है, तो ज़रूर या तो जांच ठीक से नहीं की गई है, या इसमें कुछ या तो वो पावरफुल रहे होंगे दूसरी पार्टी, और मुझे लगता है उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने गलत पेपर बनवाए, गलत साक्ष जुटाया। तो मुझे तो फिल्म याद आ गई अंधा कानून, उसमें 20 साल बेगुनाही पे सज़ा काटते हैं अमिताभ बच्चन, और लेकिन वो तो फिल्म थी, बाद में वो थैला लेके गाना गाते हुए निकला है जेल से बाहर, तो ये तो असलियत है, एक एक दिन कैसे काटा होगा इन्होंने। तो मुझे, मैंने वीडियो में देखा कि आपको वहाँ खाना आपसे बनाया, आपको खाना बनाने की प्रैक्टिस हो गई है। हाँ जी सर जी, खाना बनाने की शौक है। उतने समय से अब खाना ही बनाते रहे सर जी वहाँ। क्या बनाते थे? बस ये मतलब जो रोटियाँ हैं, दाल है, बस यूँ ही बनाते रहे, जो भी काम मिल जाता था वो कर लेते थे। आपको कैसे वास्ता पड़ा, कैसे मिले, ये कैसे बुलाया आपने, मतलब आप कैसे पहुंचा अनिल मुरारकर? मुझे सोशल मीडिया पे या फिर किसी ने बताया? बिल्कुल, अनिल ने किसी न्यूज़ चैनल में देखा था ये न्यूज़, तो फिर वो उन्होंने लाके मुझे मोबाइल पे दिखाया वीडियो, तो तब मैंने इनको जेल से उसमें निकलते हुए देखा, मैंने जेल से बाहर निकल रहे हैं, और एक मीडिया पर्सन इनसे पूछ रहा है, और ये सब बता रहे हैं कि हमें तो कोई लेने नहीं आया, क्योंकि पिताजी भी ख़त्म हो गए, भाई भी ख़त्म हो गया, फिर ये घर पहुँचते हैं तो अपना गिरा हुआ घर देखते हैं ध्वस्त, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये दृश्य जब मुझे अनिल ने दिखाया तो तब मेरे अंदर ये ऐसा हुआ कि ये कोई एंटरटेनमेंट सीन तो देखा नहीं है मैंने, तो इस पे हम क्या वर्क कर सकते हैं। तो ये हुआ बीइंग गवर्नमेंट पार्ट, मैं अब उत्तर प्रदेश सरकार में हूँ, तो मैंने कहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी को ज़रूर ये किस्सा बताऊँगा, और उनसे निवेदन करूँगा अगर इनको कोई हेल्प हो जाए, मे बी फाइनेंशियल, मे बी नौकरी या ज़मीन इनको दी जाए। लेकिन जहाँ तक मैं सारे कानून समझता हूँ, मुझे लगता है कि ये एक लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि इनकी तरह के मुझे बताए कई केस हुए हैं, कि वो पूरी लिस्ट बनानी होगी और सबको ढूंढना होगा, वो एक वो पूरा एक प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि किसी एक की हेल्प शायद सरकार नहीं कर सकती, करेगी तो ऐसे सारे बेगुनाहों की होगी। तो हमने कहा वो पेपर वर्क होता रहेगा, वो बात चलती रहेगी, तो लेकिन मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से स्वेच्छा से मैं कुछ आपको एक आर्थिक बहुत छोटा मदद करना चाहता हूँ, तो क्योंकि आपका मैंने वीडियो देखा, उसमें आप रोज़ 3,000 रोटियां बनाते थे। हाँ सर जी, बिल्कुल बनाते। तो आप एक छोटा सा ढाबा खोलने का ट्राई करो। हाँ बिल्कुल, आपका योगदान समझ अनिल, मैं आपके परमिशन से छोटा सा, और अनिल जी का भी भाई साहब का सहयोग और समर्थन है। आप मानते हो राहुल जी अंधा कानून है, आप मानते हो कानून से आप जुड़ गए हैं, आप संसद में बैठते हैं, मंत्री मतलब यूपी से जुड़े हैं, तो आप इस चीज को मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये कानून की गलती है, सरकार की गलती है, देश की गलती है, कि गलती से किसी को अगर ऐसे जेल में डाल देना तो सरकार का पूरा पूरा हक बनता है कि उसकी लाइफ के पूरे दिन या फिर उसका पैसा वैसा जो है सरकार को पूरी हेल्प करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि कई बार बेगुनाह फंस जाते हैं, और ये तभी होता है कोई जांच की ढिलाई से होता है, या कई बार पुलिस बराबर अपना काम नहीं करती, तो ये टाइट करने की ज़रूरत तो है और इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है, और मैं तो चाहूँगा कि सरकार भी मदद करे। पहले आपका सवाल के जवाब देना चाहूँगा, सिस्टम की गलती ज़रूर कहीं ना कहीं है, लेकिन सिस्टम गलत इसलिए बताया जाता है कि सिस्टम को भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। आज जिसने केस दर्ज किया तो उसने भी तो कुछ फैब्रिकेट किया केस को, अनफॉर्चुनेटली वो केस जब फैब्रिकेट किया जाता है उसी टाइम पे अगर कार्रवाई प्रॉपर तरीके से की जाए तो ये नौबत ही नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, आज सिस्टम को हम गाली दे लें चाहे को दोष दे लें, लेकिन जब वो पहले दिन जब वो केस दर्ज किया गया, क्या उस पर कार्रवाई प्रॉपर तरीके से की गई? डेफिनेटली नहीं की गई। तो जो सिस्टम का उस टाइम इंचार्ज था, जो
जैसे भाई ने कहा जो पुलिस कैमरे में जो उस टाइम था, कहीं ना कहीं वो कैच है इसमें। कानून व्यवस्था वगैरह तो सब बाद में आती है, जो कुछ भी उनको सिस्टम बताता है वो उसी हिसाब से एक्शन फ्लो करते हैं। बट वी नीड टू टाइटन कि भाई ये जो काम हुआ गया इनिशियल स्टेज पे वो वहीं पर वहीं उसको फिल्टर किया जाए। तो ये ऐसे विष्णु जी और नहीं निकलेंगे कम से कम देश में। ऐसे कितने विष्णु जी हैं सर? सर अनगिनत। आज इस सिस्टम की लापरवाही की वजह से ऐसे बहुत अंदर बेगुनाह बैठे हैं। कितना शर्म से नीचे हो गया आज हम लोग हिंदुस्तान में, अगर ऐसी कहानी अगर विदेशों में जाके लोग देखते हैं इंडिया में ये सब चीज़ें। सर बिल्कुल शर्मनाक काम है, और यही अपील है आप मीडिया वालों से कि इसको जितना आप प्रचार कर सकते हैं। विष्णु जी एक प्रेरणा स्वरूप इंसान है, इनके वजह से अगर आज जागरूकता फैल सकती है वो हमें करना चाहिए। राजू सर मेरा सवाल आपसे है जी। राजू सर जो रिसेंटली एक केस आया था जोमैटो का, लड़की ने तुरंत वीडियो बनाया एंड वो बहुत वायरल हुआ, लड़की का मीन्स उसके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए, एंड बाद में पता चला कि वो लड़के की गलती नहीं थी, लड़की की ही गलती थी। और रिसेंट मतलब बोले 2-3 साल पहले एक बॉलीवुड में एक आया था कि मी टू करके, तो क्या आपको लगता है कि सरकार में मैन टू करके भी एक कुछ ऐसा प्रोसेस निकलना चाहिए जहाँ पे ऐसे बहुत सारी कहानी बाहर आए, सरकार उन्हें हेल्प करे? क्या आपको लगता है सर? क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है पता है सर, कि जब तक लड़का मीन्स बोलते ना कि उसको क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक वो गिल्टी है, और लड़की जब तक उसकी उसको वो तब तक गिल्टी नहीं साबित होती तब तक जब तक उसको क्लीन चिट मिले। एक हीरोइन ने कल बोला भी इस मामले में सॉरी कि ऐसा नहीं कि औरत ही सही होती है, आदमी सही होते हैं, कि दोनों की जांच होनी चाहिए कि जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, यही मैं कहना चाह रहा था कि लड़की या लड़का देख के किसी को गुनहगार नहीं मानना चाहिए या नहीं सजा देनी चाहिए। लड़के भी अच्छे होते हैं और लड़कियां भी अच्छी होती हैं, और दोनों भी में से कोई कुछ भी गलत कर भी सकता है। तो मुझे लगता है ये जांच का विषय है, लड़की देख के ये सोचे कि वो वही सही होगी ये भी नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है जांच से निकल आएगा। क्योंकि इसमें बॉलीवुड भी बटा हुआ है, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जांच से निकले। आगे कुछ करने वाले हैं जैसे सर आप दोनों से सवाल है जी, इनको लेकर आगे कोई वेब सीरीज या फिल्म में इसकी स्टोरी डालने वाले हैं? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही रियल सच्ची कहानी है, क्यों अंधा कानून हो सकता है ऐसी बना दी हो फिल्म, लेकिन आपके सामने एक सामने बैठा है इंसान। दो चीजें, पहली बात आपने जिक्र किया मैन टू के बारे में। हाँ, मैन टू का एक मुहिम ऑलरेडी चल रहा था। आई वुड रादर कॉम्प्लीमेंट पूजा जी, पूजा बेदी जी, जिन्होंने ये प्रोसेस को आगे बढ़ाया है, मैं भी उसका पार्ट हूँ, इसके लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमने उसमें यही अपील की है सिस्टम को कि आपके पास अगर कोई केस दर्ज होता है तो आप उस पर सीधा एक्शन प्लान मत प्लान करिए, आप उसमें सिस्टम को फॉलो करिए, डिटेल में जाइए कि जिस लेडी ने केस दर्ज किया किसी आदमी के ऊपर क्या वो कहाँ तक सही है, तब तक आप उसको हिरासत में मत लीजिए, बेनिफिट ऑफ डाउट रखिए उसके ऊपर, उसको समझिए, उस केस को डिटेल में जानिए, उसके बाद एक्शन प्लान फॉलो करिए। दिस इज़ द सिस्टम बीइंग अटेंडेड राइट नाउ, और आई एम वेरी श्योर कि इस पर कुछ ना कुछ आएगा, बहुत जल्दी आएगा। एसआईटी टीम जैसे कुछ स्पेशल एसआईटी एग्जैक्टली एक टीम बैठी है इसमें, और मुझे उम्मीद पक्की है सिस्टम से कि इस पर कुछ ना कुछ जल्दी आने वाला है पक्का। सर जिसने इन्होंने इनको जिसने सजा दी थी 20 साल हो गए, हो सकता है वो बंदा रिटायरमेंट हो गई है, क्या उसके बाद भी राजू जी प्रावधान है उसको जेल में डलवाने का? वही भाई ने जिक्र किया आपसे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी इंटरव्यू में अगर एक चीज मैन है 20 साल के बाद अगर वो एक्सपायर हो गया तो केस खत्म है, लेकिन अगर जिंदा है कितनी भी उम्र है 60+ भी है तो क्या उसको प्रावधान है जेल में डलवाने का, आप करवाएंगे सब? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बड़े अधिकारियों के कान में बात डालनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को तो मैं बताऊंगा समय लेके, उनसे अपॉइंटमेंट लेके और उनको पूरी कहानी बताऊंगा मैं, और चाहूंगा कि इनके लिए न्याय हो और उनको सज़ा हो। तो आप कोई कुछ बाहर आने के बाद पता चला कोई अधिकारी कोई संपर्क में आया?
नहीं सर जी, वो आए थे कप्तान साहब आए थे और CDO साहब आए थे, तो वो बोल रहे थे कि हाँ हम तुम्हें एक आवास दिया जाएगा, तुम्हारा घर बिल्कुल नहीं, जिसने जांच वांच किया था उसमें से कोई है रिपोर्ट लिखने वाला? उनका कोई मालूम नहीं सर जी, बिल्कुल कोई पता नहीं। लेकिन आप निकलवा सकते हैं सर, अगर आप यूपी में मोस्ट ऑफली हम लोगों ने देखा है कि ऐसे केसेस आते हैं, तो आप गवर्नमेंट से स्पेशली कुछ अनाउंस करना चाहेंगे? या विष्णु जी आपसे ये सवाल है कि आपके ऊपर जो केस किया था उनके उस फैमिली के ऊपर आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं कि नहीं? देखो जी हम तो एक्शन देखिए, ये मुझे लगता है सजा दिलाने की और उस स्थिति में नहीं है ना, ना स्थिति में ना वो बेचारे क्या एक्शन लेंगे। अच्छा 20 साल बाद विष्णु जी आपके क्या सपने हैं, आप ये बताइए। वह हमारे तो सपने क्या हैं, हमारे तो बस सपने आप लोगों को, आप लोगों के दर्शन हो गए, आप लोगों के सो हम तो धन्य हो गए, और इस समाज में और इस देश में पूरे हम इंडिया में कुछ ढाबा भी खोलना चाहते हैं। हाँ वो तो करना पड़ेगा दीदी, काम पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पेट तो है तो जिंदगी जीना है तो कुछ तो करेंगे तभी तो खाने को मिलेगा, और नहीं तो कैसे मिलेगा। मैं विष्णु जी बस अब आप लोगों का सहयोग है और सर जी का आशीर्वाद है, आप हमारे मतलब अपने निवास पर भी बुलाया है और हमें रिकॉर्ड एक सहायता मतलब एक साधारण चीज है कि विष्णु जी आज इस स्टेज में भी एक सिर्फ अपनी रोजी रोटी की दुआ लगा रहे हैं कि भाई मेरी रोजी रोटी चलती रहे। विष्णु जी मैं ये आपका अकाउंट नंबर आपने दिखा के सर, हाँ मैं बता, मैं आपका अकाउंट नंबर अपने देखने वाले भाई बहनों तक पहुंचा रहा हूं जी, ताकि अगर कोई डायरेक्ट आपको मदद करना चाहे तो कर सकता है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक है और इनके नाम का ये अकाउंट है विष्णु जी का, और इसमें नाम है विष्णु और फादर नेम है श्री रामेश्वर, अकाउंट नंबर है 3894239573, IFSC कोड है CBINO और उसके आगे है 284853। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ललितपुर और ये गांव का क्या नाम है, मेहरोनी तहसील। सर कांटेक्ट करना चाहे तो फोन नंबर भी दे दीजिए। हाँ कुछ कांटेक्ट नंबर सर कॉन्टेक्ट करना चाहे बात कर सकता है तो फोन नंबर दे दीजिए। हाँ क्या आपसे भी बात कर सकते हैं इस बारे में? हाँ कॉन्टेक्ट नंबर मत दिलवाओ, इनको भी परेशान करेंगे। आई थिंक अकाउंट नंबर इज सफिशिएंट। अकाउंट नंबर इज थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।